आज की इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ बेंटन शो के सारे विलन्स को। हाँ सही सुन रहे हो, सारे विलन्स को, वो भी सिर्फ इस एक वीडियो में। और इस टॉपिक का आइडिया मेरे को तब आया था जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था। इसमें यार मैंने बेंटन के सारे एलियंस को रैंक किया था, बट ये वीडियो उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस वीडियो में सारे विलन्स को रैंक करने वाला हूँ। और यार आपको भी पता है कि बेंटन शो के अंदर कितने विलन है, बेंटन क्लासिक से लेके ओमनीवर्स तक। हाँ रिबूट इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए बेंटन क्लासिक से लेके ओमनीवर्स तक जितने भी विलन्स है वो आज की इस वीडियो में रैंक करने वाला हूँ। बट यार इसमें एक ट्विस्ट है कि मैंने काफी सारे एलियंस को एक ही नंबर में मर्ज कर दिया है। अब वो मैंने कैसे किया वो तो आप लोगों को वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो अब जल्दी से इस ऑसम से वीडियो को एक लाइक कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 40 रोजो। हाँ मैं उस राइडर गर्ल की बात कर रहा हूँ जिसको बेंटन क्लासिक में विलगैक्स के मेकारोइट रोबोट का आर्मर मिला था। उसके बाद रोजो पूरी बदल गई, पहले वो नॉर्मल राइडर गर्ल थी पर जैसे ही उसको आर्मर मिला वो एकदम से बदल जाती है और उसके पास अब एलियन पावर्स आ गए। हाँ जो विलगैक्स के रोबोट्स के पास एलियन पावर थे, जैसे कि उसके बॉडी में काफी सारे शार्प ब्लेड आ गए थे और यहाँ तक कि वो शोल्डर से ब्लास्ट भी कर सकती थी। और भी बहुत सारे ऐसे पावर्स थे जो कि विलगैक्स के रोबोट्स के पास थे, वो सारे रोजो को मिल गए थे बट टेम्पररी टाइम के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। और यार रोजो का सिलसिला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो गया, हमने इसको देखा कि ये टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी। जैसे कि बेंटन क्लासिक के अंदर ही हमने जब उसको सेकंड टाइम देखा वो यार पूरी चेंज हो गई थी, उसके अंदर एक प्रॉपर आर्मर आ गया था और उसमें काफी सारी चीजें लगे थे जो कि उसको फाइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद हमने जब भी रोजो को देखा हमने देखा हाँ इसने कुछ तो इम्प्रूव किया, ये पहले से और ज्यादा पावरफुल लग रही है। अल्टीमेट एलियन में उसके बाद कुछ अलग चेंजेस थे, मतलब क्या पहले वो बाइक पे राइड करती थी पर अब ये इस व्हीकल पे राइड करती है। और जैसे ही ओमनीवर्स आया हमने देखा रोजो के पास पावरफुल गन्स भी आ गए थे और भी यार ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि रोजो ने इम्प्रूव कर लिया था इस टाइम तक। और जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है नंबर 39 पे वो है कैप्टन नेमेसिस। बेंटन के यूनिवर्स का खुद का आयरन मैन, बस के आर्मर में मास्क नहीं है, नहीं तो ये पूरा आयरन मैन जैसा ही लगता। अब यार कैप्टन नेमेसिस इतना तो पावरफुल नहीं कि उसको हम एलियन विलन से कंपेयर कर सकते हैं, हां बट वो नॉर्मल ह्यूमंस के कंपेयर में बहुत पावरफुल है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया क्योंकि यार हमने देखा है जब ये अपने आर्मर को पहन लेता है तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इतना पावरफुल कि ये बैन के कुछ एलियन तक को भी डिफीट कर सकता है। अब यार इसको सिर्फ हमें एक ही बार नहीं दिखाया, इसको हमें कई बार दिखाया। बेंटन अल्टीमेट एलियन में हमें दो बार दिखाया था कि कैसे ये अपना रिवेंज लेने का बहुत ट्राई करता है बट वो ले नहीं पाता बेचारा। फिर उसके बाद हमें इसको ओमनीवर्स में भी दिखाया गया था और इस बार तो इसने हद ही कर दी। पहले तो यार ये आयरन मैन की कॉपी करके उसके जैसे एक सूट बनाता है और उसके बाद जैसे आयरन मैन ने अपनी टीम बनाई थी जिसका नाम उसने दी एवेंजर्स रखा था, तो उसका ही सेम उसने भी कॉपी वर्जन निकाला और उसने इस बार रखा दी एवेंजर्स। मतलब क्या करना चाहता है ये बंदा, ये पूरा टोनी स्टार्क की कॉपी कर रहा है, पर इससे थोड़ी हो पाएगा वो चीज। नंबर 38 ज़ोम्बोज़ो, जो कि यार जोकर कम ज़ॉम्बी ज्यादा लगता है। सच में यार बेंटन क्लासिक में जैसे बैन डरता था मैं भी इससे एक बार तो डर गया था। अब यार इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये लोगों को अपना गुलाम बनाता है और इसने ऐसा बेंटन क्लासिक में किया था। ये यार पहले लोगों को एंटरटेन करके उनको बहुत हंसाता है और फिर उनको इतना हंसाया और उनकी बाद में हंसी छीन ली और वो लोग हंसते हंसते और उनकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी। वो तो यार बेन जोकर से डरता था इसलिए वो वहां से चला गया और उसने ज़ोम्बोज़ो से सबको बचा लिया, नहीं तो यार बेन भी अगर ज़ोम्बोज़ो के कब्जे में होता तो फिर क्या होता। और फिर उसके बाद हमें ज़ोम्बोज़ो काफी बार देखने को मिलता, जैसे कि वो बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखने को मिलता है, पर इस बार उसने कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ा था बट बेंटन ओमनीवर्स में इसने हद कर दी। इस बार उसने एक और लेवल अप कर लिया, पहले ये लोगों की हंसी छीनता था पर इस बार इसने क्या किया लोगों को अपना पहले टास्क दिखा के हंसाया और उनको जोकर बदल दिया। और यहां तक कि बेन का पार्टनर रुक भी जोकर बन गया था और ग्रैंडपा मैक्स ब्लूकिच और ड्रेवर सभी लोग जोकर बन गए थे। फिर बेन टॉय पिक का यूज करके ज़ोम्बोज़ो को इतना डराता है कि कुछ देर बाद सब कोई नॉर्मल हो जाते हैं। नंबर 37 क्लेंजी। हाँ वही कीड़े की दुकान जो कि अपने आसपास सिर्फ कीड़े लेके चलता है। अब जब इसको हमने फर्स्ट टाइम देखा था तो ये नॉर्मल ह्यूमन होता है जो कि अपने आसपास सिर्फ कीड़े लेके चलता है और उस टाइम बेन ने हीट ब्लास्ट का यूज किया था और उसको कोल्ड था इसलिए उसको फ्रीज ब्लास्ट मिलता है और वो उस कीड़े को फ्रीज कर देता है। बट जब बेन ने इसको हराया तो हमने देखा कि ये नॉर्मल ह्यूमन था, बट जब हमने सेकंड टाइम इसको देखा तो ये खुद एक बड़ा सा कीड़ा बन गया था और इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पहले से। नंबर 36 सर्पेंट, वो एलियन स्नेक जो कि लिटरली फर्स्ट अपीयरेंस में लगा था कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और पावरफुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने केविन और ग्वेन दोनों को साथ में डिफीट किया था। हाँ केविन और ग्वेन दोनों मिलके भी सर्पेंट को नहीं हरा पा रहे थे, मुझे लगा था कि ये शायद कोई खतरनाक विलन हो सकता है, तभी तो यार केविन और ग्वेन दोनों मिलकर नहीं हरा पा रहे। और यहाँ तक इसने केविन को इतना पीटा था कि उसका पूरा आर्मर टूटने लगा था। वो तो यार लास्ट में ग्वेन समझ गए थे कि हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए ग्वेन ने बेन को कॉल कर दिया और बेन जैसे ही आता है वो कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर इसको पूरा मसल देता है और कैनन बोल्ट के सामने सिर्फ 10-15 सेकंड टिक पाता है और ये कुछ नहीं उखड़ पाता उसका। अब यार जब इसको फर्स्ट टाइम दिखाया था तो मुझे लगा कि कैनन बोल्ट के खिलाफ इसने कुछ डिफेंस नहीं कर पाया क्योंकि कैनन बोल्ट ने एकदम से इस पे अटैक कर दिया, बट जैसे इसको सेकंड टाइम बेंटन अल्टीमेट एलियन में दिखाया तब मुझे पता चला कि यार ये सच में कुछ काम का नहीं है, इस बार इसको फोरआर्म्स मसल देता है, इसलिए तो यार ये इतने नीचे के पोजीशन पे है। नंबर 35 सर्कस फ्रेक्ट्रियो। हाँ उन तीनों की बात कर रहा हूँ, हाँ उन तीनों सर्कस के जोकरों की बात कर रहा हूँ। अब यार जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इनको मर्ज भी करूंगा क्योंकि यार एक एक करके मैं लिस्ट को लंबी और आपको बोर बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिया। फर्स्ट एसिड ब्रिज, जैसे इसका नाम है सेम वैसे इसका
काम है, जैसे कि ये एसिड स्पिट करता है, मतलब कि ये एसिड सब पे थूकता है, एसिड वाला अटैक करता है, उसमें से स्मोक निकाल सकता है, वो थूकता है और भी वगैरह ये कुछ कुछ अटैक करता है। सेकंड थंब स्कल, अब ये इन तीनों में ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी वेट को उठाता है और ये किसी भी चीजों को आराम से तोड़ लेता है अपने हाथों से ही। ये यार पावर लिफ्टर जैसा हैवी वेट को आराम से उठा सकता है। और जो इनके लास्ट पार्टनर है वो है फ्रेडविक, जिसकी पूरी पावर उसके हेयर में, इसके हेयर इलास्टिक जैसे बहुत ही लंबे हो जाते हैं और वो बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी मेटल के सरफेस को आराम से तोड़ सकते हैं और ये ज्यादातर अपने हेयर को फाइटिंग के लिए यूज करती है। नंबर 34 प्लांट एलियन, हाँ मैं उसी प्लांट एलियन की बात कर रहा हूँ जिसे हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया था। और इस एलियन की बहुत ही बड़ी सी आईज होती है और इसका जो मेन पावर है कि लोगों के क्लोन को जनरेट करता है, मतलब कि यार जो रियल वाले होते हैं उनको ये पकड़ के रखता है और उनके फेक क्लोन को जनरेट करता है। और ऐसे इसने बेन, ग्वेन और केविन के साथ किया भी था। वो तो यार इनके पास जिमी था, तो जिमी को शक हुआ तो जिमी ने सभी को बचाया। जिमी को यार इसकी वीकनेस पता चल गई थी कि पीनट इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है और उसने पीनट की मदद से ही बेन, ग्वेन और केविन को वहां से रिलीज करवाया था उस प्लांट मॉन्स्टर से। और उसके बाद हमारे ये तीनों हीरो मिलके उस प्लांट एलियन को हराते हैं। बट उस टाइम अगर जिमी इन तीनों को अगर रिलीज वहां से नहीं करवाता तो ऐसा होता कि ये एक एक करके पूरे सिटी को ये अपना गुलाम बना लेता। नंबर 33 क्रैब, विलगेक्स का एक और नौकर जिसके पास मल्टीपल एबिलिटीज है, जैसे कि यार इसके यार लेजर बीम और इलेक्ट्रिक बीम जैसे काफी सारे कूल अटैक है और ये अपने लेग्स को ड्रिल में कन्वर्ट करके उनसे कहीं भी ड्रिल कर सकता है और पता लगा सकता है कि इसका अपोनेंट कहां पर है। और ऐसा इसने बेन को ढूंढने में यूज भी किया था। और ये गैस भी जनरेट कर सकता है और इसके पास एक थर्मल विजन है जिससे अपने अपोनेंट की वीकनेस को पता कर सकता है। और ऐसा इसने गोस्ट विक के ऊपर यूज भी किया था, इसने गोस्ट विक की वीकनेस को पता किया। उसके बाद वो गोस्ट विक के ऊपर एक ऑरेंज कलर की लिक्विड को डाल देता है जिसकी वजह से गोस्ट विक की इंटेंजिबिलिटी वहां पर फ्रीज हो जाती है और वो कहीं भी इंटेंजिबल नहीं हो पाता। और यह सबसे खतरनाक चीज की इसका अपोनेंट इसको पीछे से कभी नहीं मार सकता क्योंकि इसका जो हेड है वो 360 रोटेट होता है। और यार इसको पता चल जाता है कि इसका अपोनेंट कहां पर है और इसका अपोनेंट कहां से इस पे अटैक कर रहा है। नंबर 32 फॉरएवर नाइट्स, अब यार इसमें मैं कोई स्पेसिफिक एक नाइट्स को नहीं बोल रहा, मैं सारे नाइट्स को इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, जैसे कि बेंटन क्लासिक वाले नाइट्स हो गए, बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स वाले जितने भी जो नाइट्स थे जो कि हमें नाइट्स की कैटेगरीज देखने को मिली उन सारे नाइट्स को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, मतलब कि इनॉक भी हो गया, ड्रिस्कॉल हो गया, साइरस हो गया और जितने भी नाइट्स है उन सारे नाइट्स को मैं एक ही में इंक्लूड कर रहा हूं, यहां तक कि सर जॉर्ज को भी इंक्लूड कर रहा हूं बट विदाउट द एस्क्लेन वाले, इसलिए वो सारे नाइट्स को मैंने एक साथ रख दिया क्योंकि यार नाइट्स मेरे को ज्यादा पावरफुल नहीं लगते कोई भी नाइट्स। हां बट उनके पास कुछ पावरफुल वेपन्स है जिनका यूज करके वो नॉर्मल से जो वीक एलियंस होते हैं उनको डिफीट कर सकते हैं, बट जो पावरफुल एलियंस है इनके बस की बात नहीं है, ये यार पावरफुल एलियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो यार ये इतने नीचे के पोजीशन पे नहीं तो थोड़े और ऊपर के पोजीशन पे होते हैं। नंबर 31 6677 और 88, अब यार काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तीनों एक ही है, तो देखो पहले तो ये तीनों अलग है। हां मैं जानता हूं कि इन तीनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है बट तीनों को अलग अलग दिखाया है। 66 को हम लोग क्लासिक में बहुत ज्यादा देखते हैं, कभी विलगेक्स का चमचा बनके उसका काम कर रहा होता है और कभी वल्केनस के साथ मिलकर उसका काम कर रहा होता है और हमने बहुत बार 66 को देखा है। और जो 77 है उसको हमने ज्यादातर बेंटन एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में देखा है। एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में कभी वो इंकर्शंस के लिए काम कर रहा होता है नहीं तो यार किसी और के लिए। और ऐसे ही जो 88 है वो हमें बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिलती है और जब 88 हमें दिखाई जाती है तो उसके साथ हमें इन दोनों को भी साथ में दिखाया जाता है, तब हमें पता चलता है कि ये तीनों एक साथ है और ये लोग कजन्स है और ये तीनों इंकर्शंस के लिए काम कर रहे थे। अब यार इनकी थोड़ी मोड़ी पावर से बता देता हूँ, हाँ फुल एक्सप्लेन नहीं करता हूँ पर थोड़ी मोड़ी पावर बता देता हूँ, जैसे कि यार इनके पास काफी सारे मिसाइल्स है, यहाँ तक इनका जेट पैक है और इनके पास ट्रैकर होता है जिससे ये आसानी से किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। और यार इनके पास एनर्जी स्वॉर्ड भी होती है और बहुत सारे गन्स भी होते हैं और भी ऐसे बहुत सारे चीजें जो कि इन तीनों के पास होते हैं। नंबर 31 ट्रम्पी प्यूलर, थंडर पिक और लियम्स जैसे जो विलन है जो कि अंडरटाउन में रहते हैं वो इस लिस्ट में। हाँ अब ऐसा नहीं कि मैंने इन तीनों का नाम लिया तो ये तीनों ही है, मैं यहाँ नंबर 31 पे उन अंडरटाउन के विलन को ले रहा हूँ जो कि ऐसे ही रैंडमली किसी भी एपिसोड में दिख जाते हैं जिसके ऊपर एक भी स्पेसिफिक एपिसोड नहीं बनता क्योंकि यार ये कोई ज्यादा पावरफुल नहीं होते, बेन यार इनको कोई भी विलन से इजीली डिफीट कर देता है, इसलिए यार मैंने अंडरटाउन के जो कुछ विलन है उनको मैंने इस लिस्ट में रख दिया। हाँ बट नाम स्पेसिफिक मैंने इन तीनों का लिया क्योंकि एक एक का लेने जाऊं तो पता नहीं कहां से कहां इतनी लंबी और वीडियो हो जाएगी। नंबर 29 ग्रेट वन, आई थिंक तुम लोग इस विलन को भूल गए होंगे, हाँ मैं उसी विलन की बात कर रहा हूं जिसके साथ ये तीन नमूने हमें देखने को मिले थे बेंटन क्लासिक में। अब ये जायंट कीड़े जैसा जो एलियन विलन है, अब ये पहले तो कोई ज्यादा पावरफुल नहीं लगता है बट कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे करके हमारे पूरे अर्थ को ही निकल जाता है और पूरे अर्थ की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। अब इसको रोकने के लिए बेन बहुत सारे एलियन का यूज करता है पर कोई भी ऐसा एलियन नहीं होता जो कि इसको रोक पाता है। लास्ट में यार बेन कैनन बोल्ट का यूज करता है, हाँ उस टाइम ही बेन का कैनन
बोल्ट भी अनलॉक हुआ था। कैनन बोल्ट का बेन टेंशन यूज करता है और कैनन बोल्ट इसको डिफीट करता है। अगर उस टाइम बेन के पास कैनन बोल्ट का डीएनए नहीं होता तो ये पूरे अर्थ को आसानी से निकल जाता और बेन कुछ भी नहीं कर पाता। नंबर 28 सुपडोरा और एक्सोस्कल। अब ये जो दोनों कैरेक्टर, ये दोनों ही मेल्ट्वेंट के लिए काम करते हैं। अब लोग इनको ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लोगों को लगता है ये थोड़ा वीक कैरेक्टर है दोनों ही, बट यार ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको यार बेंटन ओमनीवर्स में दिखाया गया था और उस टाइम तक हमारा बेन बहुत स्ट्रांग हो गया था, उसको यार विलगेक्स में मजाक ही लग रहा था। बट यार इसको बेंटन क्लासिक में दिखाया जाता तब हमें पता चलता है कि ये लोग इतने वीक नहीं, ये लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि यार जो सुपडोरा हो गई वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा बेस्ट है और जो इनकी स्पीसीज है उनको इसलिए जाना जाता है कि ये किसी भी चीजों में आराम से मर्ज हो जाते हैं। मतलब कि यार ये लोग कैमोफ्लेम की पावर का यूज करते हैं और ये अपने आसपास की चीजों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि ये इनविजिबल हो गए। और यार उसके बाद वो किसी पे भी अटैक करती है तो वो उनको दिखाई नहीं देती, वो इसके पास एक प्लस पॉइंट है। और जो नेक्स्ट इसका पार्टनर है एक्सोस्कल, बट एक्सोस्कल के पास बिल्कुल ब्रेन नहीं है, इसलिए तो वैम्पायर एक्सोस्कल को कंट्रोल नहीं कर पाया। बट अगर इसकी पावर की बात करूं तो इसकी पावर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो यार इसकी बॉडी काफी हार्ड है और उसके बाद ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। हाँ, एनर्जी ब्लास्ट एक बहुत ही पावरफुल अटैक है। ऐसे यार कूल से अटैक ये लोग यूज कर सकते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। नंबर 27 वल्केनोसॉर्स के पिकैक्स। अब यार जो वल्केनोस की स्पीसीज है वो लिटरली बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। जैसे कि यार आप लोग ने देखा होगा कि ये लोग अगर किसी अगर गर्म सरफेस में भी गिर जाता है, मतलब इनके ऊपर गर्म गर्म लावा भी अगर फेंक देंगे तभी भी यार इनको कुछ ज्यादा नहीं होता। और यहाँ तक कि बहुत ही खतरनाक मेटल जो एलिमेंट एक्स था वो भी वल्केनोस के ऊपर फूटने के बाद भी उसमें भी वो सर्वाइव कर गया था। हाँ, उसकी पूरी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाई थी बट वो सर्वाइव कर गया था, उसका हेड बच गया था, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि यार एलिमेंट एक्स हम जानते हैं कि कितना पावरफुल है। एलिमेंट एक्स के अंदर इतनी पावर होती है कि ये पूरे अर्थ को खत्म कर सकता है। बट यार उसके हिसाब से देखा जाए तो वल्केनोस बहुत पावरफुल है क्योंकि उसने एलिमेंट एक्स के जो एक्सप्लोजन है उसमें सर्वाइव किया था और वो जिंदा रहा उस सर्वाइव में। इसको यार बेंटन क्लासिक में दिखाया है और बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन अल्टीमेट एलियन और यहाँ तक कि इसको बेंटन ओमनीवर्स में भी दिखाया है। और यार एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि वल्केनोस के आर्मर में बहुत सारी चीजें भी लगे हुए हैं, जैसे कि काफी सारे वेपन्स तो कैरी करता ही है और ये काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो कि सूट भी कर सकता है। नंबर 26 बेनवेलॉन। हाँ, अब ये विलन का नाम थोड़ा कम सुना सुना लग रहा है कि आखिर ये कौन सा विलन है। तो ये विलन को हमें बेंटन ओमनीवर्स में दिखाया गया था और मैं चाहता था कि लिटरली इस विलन को और दिखाया जाए क्योंकि हम लोग इसकी पूरी पावर को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए कि आखिर ये कितना पावरफुल है। बट जितनी मुझे इसकी पावर के बारे में पता चला मैंने इसको नंबर 26 की पोजीशन पर रख दिया। देखो अब इसकी जो सबसे कूल पावर लगती है जिस वजह से मैंने इसको लिस्ट में थोड़ा ऊपर के पोजीशन में लगा कि ये आराम से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और इसके बाद एक फोर्स फील्ड भी होता है जिसकी वजह से इसको कोई भी मार नहीं सकता। और इसके बाद पावरफुल वेपन्स तो होते ही है बट सबसे अच्छी बात ये है कि इसके पास एक पर्सनल सर्वेंट है, एक बहुत ही बड़ा रोबोट जो कि सिर्फ इसके ऑर्डर को फॉलो करता है और ये जो बोलता है उसका सर्वेंट वही काम करता है। इसलिए मैं चाहता था कि इस विलन को और दोबारा भी दिखाया जाए जिससे हमें पता चलता है कि आखिर ये कितना पावरफुल है। खैर अब इसको छोड़ते हैं और हमारे दूसरे विलन के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नंबर 25 पे विलन है वो है लाइमैक्स। अब यार बेंटन की पूरी सीरीज में इनको सिर्फ हमें एक ही एपिसोड में दिखाया गया बट एक एपिसोड में दिखाने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो विलन है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब वो कैसे वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि ये किसी भी कैरेक्टर के रूप में बदल जाते हैं और वो जो कैरेक्टर होता है उसको एक एग के शेल जैसे चीजों में अंदर रख लेते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने इसके जैसे एक और एलियन देखा था जो कि था प्लांट एलियन बट ये उससे बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे कि पावरफुल इसलिए क्योंकि इन पे कोई भी अटैक काम नहीं करता, जैसे कि इन पे इलेक्ट्रिक अटैक काम नहीं करता, किसी भी टाइप का लेजर अटैक काम नहीं करता और फायर से तो ये और स्ट्रांग होते हैं। हाँ, बट एक अटैक है जिससे ये थोड़े वीक हो जाते हैं। वीक क्या, ऑलमोस्ट बैन ने उसकी मदद से इनको अर्थ से भगाया था जो कि वाटर और वाटर से ही ये लोग हेट करते हैं और इनकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो वाटर ही है। बट यार तभी भी अगर वाटर को अगर हटा दिया जाए तो ये लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यार इनको मैंने डेंजरस क्यों कहा था वो भी बताता हूँ। अब जैसे कि आप लोग को पता होगा आप लोग ने फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स को देखा था, उनके पास यार एक रोबोटिक हैंड होता है। तो वो रोबोटिक हैंड पता है तुम्हें किस लिए, वो इसलिए क्योंकि पहले जो ग्रैंडपा मैक्स थे उनके पास दोनों हाथ था बट एक लाइमैक्स का एक वॉर होता है जो कि लाइमैक्स होते हैं वो अर्थ पे वापस अटैक करते हैं। जैसे कि वो बेंटन क्लासिक में एक बार अटैक कर रहे थे तो सेम ऐसा फ्यूचर में भी वो लोग करते हैं और उस फाइट में ही ग्रैंडपा मैक्स ने अपना एक हाथ गंवा दिया था जिससे यार फाइट करने के लिए ग्रैंडपा मैक्स ने पूरी अपनी प्लमर्स की आर्मी लेके जाते हैं बट उनसे भी कुछ ज्यादा नहीं हो पाता और ग्रैंडपा मैक्स अपने इस हाथ को गंवाना पड़ता है। और उसके बाद हमें ये रोबोटिक हैंड देखने को मिलता है ग्रैंडपा मैक्स के पास। नंबर 24 डॉक्टर साइको बॉस। अब ये जो कैरेक्टर ये इंटेलिजेंट के साथ पावरफुल भी है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे जो हमने कैरेक्टर्स को देखा है वो यार इंटेलिजेंट होते या तो वो पावरफुल होते बट ये जो कैरेक्टर है वो इंटेलिजेंट के साथ ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अब यार ज्यादा ये वैसे तो फाइट नहीं करता पर अगर आपको पावर का सैंपल देखना है तो देखो जो जो अपना ब्रेनस्टॉर्म पावर यूज करता था वो सारी पावर्स ये भी यूज कर सकता है क्योंकि ये भी उसी की स्पीसीज का है। और अगर आप लोग इसकी इंटेलिजेंस ही जानना तो ये इतना इंटेलिजेंट है इसने ओमनीट्रिक्स के जो एलियंस के जो प्रेडेटर होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म होने वाला एक डिवाइस बनाया था जो कि था नेमेट्रिक्स और वही डिवाइस खाइबर के पेट के पास होती है। और हमने तो देखा है कि बेन की उसने कैसे वाट लगाई थी, जैसे ही वो डिवाइस खाइबर के पेट के पास चली गई थी और खाइबर ने उसका यूज करके बेन की किस तरीके से वाट लगाई
थी। बेन 10 ओमनीवर्स में बेन सच में परेशान हो गया था, आखिर मैं इसको कैसे हराऊं, मैं कोई भी विलन बदलता हूं तो ये उसके प्रेडेटर में चेंज कर देता है और वो मेरे को आराम से हरा देता है, ऐसा बेन को बेन 10 ओमनीवर्स में लग रहा था और ऐसा हमने देखा भी था। नंबर 23 सन्डर। अब सन्डर एक ऐसा विलन है जो की कीमती चीजों को कलेक्ट करता है और उनको अच्छे प्राइस में सेल करता है और इसको मैं फर्स्ट टाइम बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर दिखाया था और उस टाइम ये ओमनीटस के पीछे पड़ा हुआ था और ये ठीक मार्वल के गॉब्लिन जैसा लगता है, वो भी यार स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा होता है और स्पाइडरमैन इधर उधर वेब फेंक के भागता रहता है और कोइंसिडेंस हमें यही चीज बेन 10 के सीरीज में भी देखने को मिला था जब सन्डर बेन के पीछे पड़ा था, तब यार बेन भी स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर वेब फेंक के इधर से उधर सन्डर से बच के भाग रहा था और यार उस टाइम हमें सन्डर की पावर का पता चल गया था कि ये कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। बेन ने यार सन्डर को हराने के लिए बहुत सारे एलियन का यूज किया था बट सन्डर को नहीं हरा पा रहा था और यार सन्डर सिर्फ हमें एक ही बार देखने को नहीं मिला है, ये भी हमें काफी सारे सीरीज में देखने को मिला है और लोग इसको इसलिए हायर करते हैं क्योंकि ये उनका काम कर सके और इसलिए अजमत ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन में हायर किया था इसको कि वो जाके यूनिट्रिक्स जैसी जो कीमती चीज है उसको लेके आ पाए। नंबर 22 डॉक्टर एनिमो। अब लिटरली यार कोई भी इसको नॉर्मल कैरेक्टर मत समझना, ये कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये जो पागल साइंटिस्ट एनिमो है ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट करता है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और यार इस कैरेक्टर ने बेन को काफी प्रॉब्लम में लेके आ चुका है, जैसे कि एक बार इसको ऑमनीटस का डायलर मिल गया था तो ये नॉर्मल एनिमल्स को एलियंस की पावर प्रोवाइड कर रहा था और इसने ग्रैंडपा मैक्स को एक अजीब से स्ट्रिंग फ्लाई जैसे मॉन्स्टर में बदल दिया था। पहले यार ये लोग बहुत ज्यादा वीक थे और टाइम टू टाइम ये लोग धीरे धीरे करते दोनों ही लोग स्ट्रॉन्ग होते गए। अब तुम अगर अच्छे से देखोगे तो बेन 10 क्लासिक में दोनों कैरेक्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे बट बेन 10 एलियन फोर्स में दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में भी और बेन 10 ओमनीवर्स में यहां तक कि फ्यूचर में भी हमने देखा था कि डॉक्टर एनिमो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, बाकी सभी कैरेक्टर में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी बट जो डॉक्टर एनिमो इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया था, तभी तो यार उसने पूरे टूटे फूटे वेलगेक्स को वापस से जिंदा किया और प्लस उसमें 10,000 एलियंस की पावर भी डाल दी थी वो भी कुछ सेकंड्स में, मतलब समझ रहे इसके एक्सपेरिमेंट्स की लेवल कहां तक पहुंच गई है, इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 21 इंकर्शियंस। हां वही मेंढक जैसे दिखने वाले लोग और इनको लिटरली खुद को नहीं पता होता कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, कभी यार ये लोग किसी और से लड़ रहे होते हैं और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये लोग आपस में लड़ लेते हैं, मतलब ये लोग कब क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम और यहां तक कि इनको भी नहीं मालूम है कि ये लोग अगला स्टेप ये लोग क्या करने वाले हैं, बट यार इनकी इतने ऊपर की पोजीशन पे आने का सिर्फ ये मतलब है कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है और बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर भी हमने इस चीज को देखा था कि बेन उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था और बेन की बहुत अच्छी टीम भी थी और यार प्लमर्स की भी एक बहुत बड़ी टीम अर्थ पे ही प्रेजेंट थी और उस टाइम जो इंकर्शंस जो स्पीसीज थे वो लोग ने अर्थ पर अटैक किया था और पूरे प्लमर्स और बेन टेनिसन उनको डिफीट किया था वहां पर, तो यार उस टाइम पता चलता कि इंकर्शंस कितने पावरफुल है, ये अगर अपने पे आए तो ये किसी को भी हरा सकते हैं और ऐसा ये लोग ने प्रूव भी किया था कि ये लोग ने बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बेन को हराया था। हाँ अगर उस टाइम अगर अटेया अगर अपने डैड को धोखा नहीं देती और वो बेन को वहां से आजाद नहीं करवाती, मतलब उसके वो हथकड़ी जो थी उसको ढीला कर दिया था जिसकी यार वजह से वापस बेन अर्थ पे आके सबको ठीक कर पाया था, अगर वो ऐसा नहीं करती तब हमें पता चलता कि इंकर्शंस और कितने पावरफुल है और वो और क्या क्या करते हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये वीडियो होता है एंड। हाँ मैं जानता हूँ ये आप लोग के लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होगा क्योंकि इसमें मैंने सारे विलन्स को इंक्लूड नहीं किया और अभी मैंने सिर्फ 20 विलन्स को बताया, अभी 20 और बाकी है। देखो अब मैं इस वीडियो में सारे विलन्स को इंक्लूड करने वाला था पर मैं इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी बन गई थी और उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि 3-4 दिन और लग जाए और फिर वीडियो आए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ ये जो वॉइस ओवर है इसको मैं बाद में कर रहा हूँ क्योंकि यार मैं खुद एक पार्ट में ही सब कुछ बताने वाला था पर बहुत टाइम लग रहा था इसलिए मेरे को 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ा। तो अब टेंशन मत लेना कि इसके पार्ट 2 में ज्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि पार्ट 2 ऑलरेडी रिकॉर्ड है, बस मेरे को उसको एडिट करके आप लोग को देना है तो जल्दी ही पार्ट 2 आ जाएगा, बट उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, जितने ज्यादा इस वीडियो में लाइक आएंगे उतने जल्दी इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा और जो भी लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तभी तो आपको पार्ट 2 पर चलेगा कि हाँ इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो यहाँ तक कैसी लगी और मुझे आप लोग पार्ट 2 के लिए भी बोल सकते हो, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा, इसलिए जल्दी कमेंट करो पार्ट 2 के लिए। अगर ये वीडियो आप अपलोड होने के 10 दिन बाद देख रहे हो तो यहाँ पर मैं पार्ट 2 का भी लगा दिया हूँ, जाके आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हो, इसे मैंने आगे के और विलन्स को भी बताया तो स्क्रीन पर क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।